नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य समाचारों पर। बिहार के सुपर कॉप कहे जाने वाले पुलिस अधिकारी शिवदीप लांडे ने तिरहुत रेंज के आईजी का पद संभाला। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सातपुरा में पटना से आई ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज की टीम ने पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली दवाई और सामग्रियों को बरामद किया। और कोरोना के नए वेरिएंट के 3 और मरीज जिले में मिले, स्वास्थ्य विभाग में मची हड़कंप। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, अब खबरें विस्तार से। बिहार के सुपर कॉप कहे जाने वाले पुलिस अधिकारी शिवदीप लांडे ने तिरहुत परिक्षेत्र के आईजी का पदभार ग्रहण किया। तिरहुत रेंज आईजी शिवदीप लांडे ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर आईजी कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान अपराध पर लगाम लगाने और अपराधियों पर नकेल कसने की बात कही। ज्वाइनिंग के साथ ही आईजी शिवदीप लांडे ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए रेंज के सभी जिले के एसएसपी के साथ समीक्षा बैठक की और कहा कि मूड ऑफ क्राइम पर विशेष नजर रहेगी और अपराध पर लगाम लगाया जाएगा। वहीं आईजी शिवदीप लांडे की ज्वाइनिंग के साथ ही दिखने लगा असर। कार्यालय जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी समेत पुलिस कर्मी दिखे अलर्ट। तिरहुत रेंज आईजी शिवदीप लांडे ज्वाइन करने के साथ ही कहा कि अपराध पर लगेगी लगाम। चारों जिले के एसपी से समीक्षा बैठक करेंगे। मुजफ्फरपुर पुलिस महानिरीक्षक के पद का पदभार ग्रहण किया है अभी, और जो ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे सबसे मुलाकात हुई है और अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है यहाँ से काम करने का। अब देखते आने वाले समय में क्या चैलेंजेस है वो तो पता ही चलेगा समय के साथ। क्या प्राथमिकताएं होंगी सर? अभी तो फिलहाल मैं ज्वाइन किया है, स्पेशली देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्राइम का पैटर्न, क्योंकि मेरा फोकस हमेशा क्राइम पे रहा है, तो क्राइम का पैटर्न क्या है, क्राइम के हॉटस्पॉट्स क्या है। सिर्फ एक जिला तक ही सीमित नहीं है, ज्यूरिडिक्शन के अंडर में हाजीपुर भी आता है, सीतामढ़ी भी आता है, शिवहर भी आता है, मुजफ्फरपुर तो है ही। तो क्राइम का पैटर्न क्या है, बाद में क्रिमिनल्स का बिहेवियरल पैटर्न क्या है यहाँ पे स्पेशली, क्योंकि जहाँ से मैं काम करके हूँ वहाँ पे भी एक नई इमर्जिंग इशू, जो लड़के थे उनके कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का और उसका एक पैटर्न दिखने में आ रहा था, वो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो क्रिमिनल का प्रीवियस हिस्ट्री यहाँ पे है वो भी देखना पड़ेगा कि प्रीवियस हिस्ट्री वाले क्रिमिनल जो कि ऑर्गेनाइज, क्योंकि यहाँ का ऑर्गेनाइज क्राइम का एक इतिहास रहा है उससे संबंधित है क्या, उसका भी एक एनालिसिस होगा। तो प्राइमरी फेस यही है कि पहले तो हम एनालिसिस करेंगे इसका। एनालिसिस करने के बाद मेरे चारों जिला के एसपी के साथ डिस्कशन करेंगे, और अभी मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश के साथ डिस्कशन हुआ ही है। तो ये एक प्राइमरी जो ब्रीफ आया उससे लगता है कि यहाँ पे जो अपराध नियंत्रित है और एसएसपी अपने तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एसपी जो है पुलिस अधीक्षक एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने का मेरा यहाँ पे भूमिका रहेगी। जहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत है वहाँ गाइडेंस के तौर पे मैं रहूँगा, लेकिन जो लीडरशिप है लीडरशिप यहाँ के चारों जिला के एसपी के अंतर्गत ही, जो भी पुलिसिंग होगी उनके अंतर्गत होगी। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सातपुरा में पटना से आई टीम ने पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली दवा और सामान को जब्त किया। जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सातपुरा में ब्रांड प्रोटेक्शन टीम ने छापेमारी की, जिसमें बड़ी संख्या में डुप्लीकेट दवाइयों और अन्य सामग्री बरामद की गई, जिसको लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। पूरा मामला आपको बता दें कि पटना ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज टीम को सूचना मिली थी कि जिले के सातपुरा में मोहम्मद शमशाद कंपनी का सामग्री को डुप्लीकेट बनाकर होलसेलर के रूप में बेच रहा है। मिली सूचना के बाद ब्रांड प्रोटेक्शन की टीम ने काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस के सहयोग से छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में कंपनी की डुप्लीकेट सामग्री बरामद की गई, जिसमें लिव 52 दवाई और पैन 40 दवाई को भी डुप्लीकेट तरीके से बनाया जा रहा था। वही मौके से शातिर फरार हो गए। ब्रांड प्रोटेक्शन की टीम ने मामले को लेकर काजी मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है और आगे की कार्रवाई कर रही है। पूरे मामले को लेकर ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज के हेड ऑफिसर अंजनी कुमार ने बताया कि शातपुरा में पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई। पुलिस के साथ हम लोग भी थे। कई कंपनी के सामान अवैध रूप से बरामद किए गए हैं, वहीं से सप्लाई की जाती थी। हम लोगों को सूचना मिली कि छापेमारी की गई,
तो बड़ी संख्या में सामान बरामद किया गया है। जी हम ब्रांड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से हैं। फील्ड ऑफिसर के पद पर मेरा नाम अंजनी कुमार हुआ। ये जो है कि मोहम्मद इस्लाम के यहाँ से सतपुरा में पुलिस के द्वारा जो है कि छापेमारी की गई है। पुलिस के सहयोग से हम लोग भी थे, हमारी क्लाइंट्स कंपनी ITC हो गई, रैकेट बैंक आइजर हो गई, हिमालय हो गया, ये सब अन्य कंपनी जो है, कंपनी के प्रोडक्ट जो है नकली अवैध रूप से रखा हुआ था और वहीं से सप्लाई किया जाता था मोहम्मद शमशाद के द्वारा। ये सब जो है भनक हमारी सेल्स टीम के द्वारा रखती है। सेल्स टीम जो है कि इसके पर जो है कि सेल्स टीम के जरिए जो है हम लोग को पता चलता है। यहाँ पर जो है बरामद हुआ है रैकेट बैंकाइजर का है, व्हीट हेयर रिमूवल क्रीम है, इसके अलावा जो है कि ITC का इंगेज परफ्यूम है और PD लाइट का जो है कि आपको फेविक्विक है और सबसे बड़ी बात है अल्केम कंपनी का एक पैन फोर्टी गैस की दवा है। इसके अलावा जो है हार्पिक का रैपर है, सेवलॉन का रैपर है, ये सब जो है कि सारी चीज़ें बरामद की गई है। जो जब्त हुआ ये डुप्लीकेट है? जी डुप्लीकेट है। इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? इसका साइड इफेक्ट दवा खाने से तो साइड इफेक्ट से बहुत सारे हो सकते हैं सर, और यदि मान लीजिए गलत तरीके से हेयर रिमूवर लगा लिया तो और जो है कि स्किन डिजीज के जो है प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको हिमालय कंपनी का फेस वाश है, वो भी डुप्लीकेट है। फेस वाश लगाने पर जो है कि फेस क्या चमक के जगह जो है कि मोहम्मद इस्माइल जो है ये घर नहीं, मोहम्मद इस्माइल के मकान में जो है कि रूम किराए पर लेकर के एक मोहम्मद शमशाद नाम का व्यक्ति जो है ये सब काम किया करता था। जी बाजार में इसका दुकान नहीं है, बाजार में ये जो है ये सप्लाई करता है, सप्लायर है, ये जैसे स्टॉकिस्ट है। शहर में जाम की समस्या को देखते हुए नगर निगम अतिक्रमण हटाओ टीम ने अखाड़ा घाट मुख्य सड़क पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। शहर में अतिक्रमणकारियों के सामान उठाकर ले गई नगर निगम। बता दें कि शहर में आए दिन लग रहे जाम की समस्या को देखते हुए नगर आयुक्त के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के पालन करते हुए अधिकारियों ने शहर के कई मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें कई दुकानदारों की सामग्री को जब्त कर लिया गया और नगर निगम अपने वैन में लाद कर ले गई। इस दौरान कई लोगों का चालान भी काटा गया और अन्य लोगों को हिदायत दी गई कि किसी भी तरह की कोई अतिक्रमण सड़क पर न करे, जिसके कारण आम जनों को सड़कों पर आवागमन करने एवं गाड़ी चलाने में किसी भी तरह की कोई समस्या हो। ये मुजफ्फरपुर शहर जो है वह जाम की समस्या से जूझ रहा है, पब्लिक जाम से त्राहिमाम है और मैक्सिमम सड़कों पर अतिक्रमणकारी जो है वह बालू सीमेंट या दुकान का सामान रख कर सड़क एक तो पूर्व से ही कम चौड़ी है उसको और सामान रख के जाम कर देते हैं, जिससे यातायात की समस्या उत्पन्न हो रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए आम पब्लिक को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। इसके तहत जो भी अतिक्रमणकारी सड़क या नाला के अंश भाग का अतिक्रमण करते हैं उनके सामानों को जब्त किया जाता है या उनसे जुर्माना की राशि लेकर उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया जाता है। कहाँ कहाँ ये अतिक्रमण अभियान चला है अभी? आज ऐसे तो पूरे शहर में अतिक्रमण अभियान प्रतिदिन चलाया जाता है, वैसे आज स्टेशन रोड से निकलकर इमली चट्टी, ब्रह्मपुरा चौक, लक्ष्मी चौक, मेरिन ड्राइव होते हुए अखाड़ा घाट रोड से अभी ये हम लोग बांध से होते हुए लकड़ी ढाई होते हुए अभी हम लोग आगे ये अभियान चल लेगा जहाँ तक चलान भी काटी जा रही है। हाँ, चलान भी काटी जा रही है, लोग रखे उसका सामान भी उठाया जा रहा है, सामान जब्त किया जा रहा है, सामान चालान भी फाइन भी किया जा रहा है, सामान को जब्त भी किया। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ साल की पहली संगठनात्मक बैठक की। संगठनात्मक कार्य एवं कार्यक्रम की समीक्षा व आगामी कार्यक्रम की चर्चा के साथ संगठनात्मक मजबूती को लेकर नए साल में भाजपा की प्रथम
संगठनात्मक जिला बैठक जिलाध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को मिठनपुरा स्थित एक होटल के सभागार में संपन्न हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन की मजबूती के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा किया जाना था। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार का नारा के साथ साथ कार्यकर्ताओं को लीडर बनाकर आगे काम करने को लेकर विस्तार से बातें की गई। पुष्पांजलि दीप प्रज्वलन के साथ वंदे मातरम सामूहिक गान से आरंभ हुई बैठक का समापन राष्ट्रगान से हुआ। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर की जिला बैठक थी। इस जिला बैठक में संगठनात्मक चर्चाएं हुई और किस प्रकार से 2024 को फतह करना है और साथ ही साथ विधानसभा को भी फतह करना है, इसकी कार्य योजना पर आपस में विचार हुआ, संवाद हुआ। आज इस बैठक में मुख्य रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस जिले के क्षेत्रीय सह प्रभारी आशुतोष जी, जिला के प्रभारी श्रीमती नीलम सहनी जी, हमारे ओराई के माननीय पूर्व विधायक पूर्व मंत्री राम सूरज जी विधायक बेबी जी, रत्नेश जी, सभी लोग उपस्थित थे और सारे मंडल अध्यक्ष, जिला के प्रभारी पदाधिकारी, मोर्चे अध्यक्ष और जो भी हमारी कार्य समिति के लोग हैं, इस लोग उपस्थित थे और किस प्रकार से हम लोग को बूथ तक अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है और साथ ही अभी जो अपना 3 कार्यक्रम चल रहा है, विकसित भारत संकल्प योजना जो मोदी गारंटी रथ के रूप में जिले में चल रही है, उसको और किस प्रकार से जन जन तक फायदा पहुंचाना है, साथ ही विश्वकर्मा योजना का कैसे लोगों को लाभ पहुंचाना है और राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठान के बाद जो दर्शन का एक कार्यक्रम है जो भारतीय जनता पार्टी लोगों को करवाने का कार्य करेगी, इस पर हम लोगों ने एक क्रियान्वयन करके कार्य पूरा करने का काम किया है। बहुत ही सफल बैठक हुई और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर एक बार पुनः 2024 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और 400 पार का अपना लक्ष्य पूरा करेंगे और इस बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और बिहार का जो भविष्य है वो संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता मुख्यमंत्री। जिले में कोरोना के नए वेरिएंट के 3 मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गई। कुल मरीजों की संख्या अब 4 हो गई है। कोरोना के 3 नए मरीज मिलने के बाद जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4 हो गई है। तीनों मरीज RT-PCR जांच में पॉजिटिव मिले हैं। SKMCH में इनके सैंपल की जांच हुई है। संक्रमित मरीजों में से एक 12 वर्ष का बच्चा और 20 वर्ष की युवती शामिल है। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि तीनों मरीजों के ट्रैवल हिस्ट्री का पता किया जा रहा है। तीनों में से 2 मरीजों का सैंपल सदर अस्पताल और 1 का SKMCH में लिया गया था। इनमें 2 कटरा और 1 मीनापुर प्रखंड के निवासी हैं। तीनों सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित थे। सदर अस्पताल का सैंपल 1 जनवरी और SKMCH के मरीज का सैंपल 2 जनवरी को लिया गया था। डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि कोरोना के तीनों मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। तीनों मरीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है, सभी की स्थिति ठीक है। जिले में कोरोना के 3 नए मरीज मिले जाने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। का नया मामला तो पहले आप लोग जानते हैं कि 1 तो मुरौल में था RT-PCR पॉजिटिव, इधर 2 केस कटरा ब्लॉक में और 1 केस मीनापुर में आया है। कुल मिला के संख्या 4 हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ RT-PCR की जांच हो रही है और सभी लोगों को SOP की तरह काम करने के लिए निर्देश दिया गया है। कल प्रधान सचिव महोदय का भी ये इंस्ट्रक्शन था कि इस पर निरंतर निगरानी की जाए और जांच की संख्या बढ़ाई जाए। सब लोगों को इस आलोक में इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है और निरंतर इस पर निगरानी की जा रही है। जो भी केसेस RT-PCR के मिले हैं उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है, सभी प्रकार की दवाइयाँ और सुविधा उनको उपलब्ध की जा रही है और उन पर सतत निगरानी की जा रही है। एंटीजन टेस्ट अब का निर्देशक नहीं है। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं।
लोगों के साथ नहीं बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लिपर, व भी सस्ते दामों पर। यहां बाटा एक्शन कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच, मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहां उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहां अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से या HDFC से 0% डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। जिला प्रशिक्षण कार्यालय में नियमित टीकाकरण को लेकर ANM के 2 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। नियमित टीकाकरण को लेकर सदर अस्पताल के जिला प्रतिरक्षण कार्यालय में ANM का 2 दिवसीय प्रशिक्षण गुरुवार से शुरू हो गया। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद ने किया। प्रशिक्षण के दौरान नियमित टीकाकरण से संबंधित बेसिक जानकारी, टीकाकरण के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी है, किन बच्चों को कौन कौन सा टीका दिया जाना है, ड्यू लिस्ट तैयार करने, डेटा अपलोड करने आदि कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद ने कहा कि किसी भी कार्यक्रम के पहले उसके बारे में जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ANM में सिर्फ टीका देना ही नहीं, बल्कि इसके अलावे कई रिपोर्ट भी सौंपे जाते हैं, जैसे ऐप पर रिपोर्ट अपलोड करना, सर्वे करना,
जो अभिभावक बच्चे का टीकाकरण नहीं कराते हैं उन्हें कैसे जागरूक करना है इसको लेकर भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। हाँ, पूरे जिला में जो नियमित टीकाकरण हो रहा है उससे संबंधित 2 दिवसीय प्रशिक्षण जिला प्रशिक्षण कार्यालय में सब लोगों के साथ है, साथ मिलकर के उनको विधिवत दी जा रही है। क्योंकि RI तो बहुत पहले से चल रहा है, ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहा है और चलता रहेगा ही, लेकिन इसका कुछ रिवीजन, कुछ आउट मैंने अद्यतन करने की जो बात है उसके संबंधित लोगों को मैंने शेयर की जा रही है, उनके बारे में बताया जा रहा है। अगर कोई दुविधा है, किसी चीज़ की कोई कमी है या कोई जानकारी है तो ये शेयर किया जा रहा है स्टाफ लोगों के बीच से, जो 2 दिवस से चलेगा। ठंड को देखते हुए गौसूल वरा फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कड़ाके की ठंड के बीच जूरन छपरा स्थित गौसूल वरा फाउंडेशन ने असहायों व जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया। फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य मोहम्मद अफ्ताब आजिम ने बताया कि पहले चरण में हमने लगभग 50 से 60 कंबल का वितरण किया है, आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस फाउंडेशन का मकसद जरूरतमंदों की मदद एवं गरीब परिवार की बच्चियों की शादी कराना है। मौके पर मौलाना कालीमुल्लाह कादरी, अबरार अहमद सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। तकरीबन ये दारुल गौसिया फैजानुल उलूम ये गौस मंजिल जगह है, यहाँ से गौसूल वरा फाउंडेशन की जानिब से तकरीबन कमोबेश 50-60 कंबल अभी उन लोगों को दिया गया जो वाकई में बिल्कुल मजबूर और ज़रूरतमंद थे, उन्हीं को 50-60 कंबल दिया गया। अच्छा, इतनी कड़ाके की ठंडी है, कैसे आप लोगों ने यानी मन में क्या आया से हाँ गरीबों में हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं? लोग तो ऐसे कड़ाके की ठंडे में अपने घरों में रहते हैं, मगर फिर भी आपने ठंडे में निकल के लोगों को ठंड का एहसास हुआ। वाकई में जब हम लोग इस कदर जैकेट और स्वेटर के बावजूद ठंड महसूस करते हैं, इन गरीब लोगों का भी ख्याल आया, इनका दर्द दिल में पैदा हुआ कि भाई ये लोग किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। तो कुछ हम लोगों के नज़र के सामने थे जिनको देखते थे सुबह शाम, कुछ हमारे मिलने जुलने वालों लोगों ने बताया कि कारी साहब फाउंडेशन की तरफ से कुछ काम किया जाए, गौसूल वरा फाउंडेशन मुजफ्फरपुर। कितने समय से आप लोग ये कार्य करते हैं? तकरीबन 1 साल से। 1 साल के बीच में तकरीबन कई गरीब बच्चियों की शादी का भी इंतजाम किया गया, कई कैंसर से पीड़ित मरीज थे उनका भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अंदाज में उनका भी ताउन किया और इंशाल्लाह आगे भी ताउन करते रहने का इरादा। का क्या मकसद क्या है यानी इस फाउंडेशन का? अगराज़ो मकासिद ये है कि गरीब बच्चे बच्चियां जो दीन से दूर हैं और पैसे की वजह से दीनी तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, उनके लिए किताब कॉपी का इंतजाम करना, वो बच्चियां जिनकी उम्र ज्यादा हो गई, गरीब माँ बाप पैसे की वजह से बच्चियों की शादी नहीं कर रहे हैं, तो फाउंडेशन की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इंतजाम करके उनके वक्त पे शादी कराना, बीमार लोगों की दवा का इंतजाम करना, इसी तरीके से ये हमारा अगराज़ो मकासिद। लावारिस लाशों का जो है कफन दफन का ये भी हमारे इसमें शामिल है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्तों में फाउंडेशन ने बहुत कुछ काम किया है अल्लाह के फजल से, जिसमें हमारे फाउंडेशन के सभी मेंबरान। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।